विधायकों को आपने पाया जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो? केवल अभी तो एक ही किया, एक को किया निलंबन, एक को किया निलंबन। इसके अलावा और कोई राजनीति? नहीं नहीं, अभी किसी कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं नहीं, सब अच्छा, उनका अधिकार है बहिर्गमन करना, नारेबाजी करना, गर्भगृह में आना, ये सब अधिकार में उनके शामिल है। इसको कैसे रोक सकते हैं? वो तो अपन रोक नहीं सकते, पर उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए सबको मिलकर के। अच्छा, फिर इतना अच्छा होता यदि उनकी कार्रवाइयाँ उनके कहे हुए सब इतने माने अच्छे होते, तो फिर उनकी पार्टी ने साथ क्यों नहीं दिया? यदि उनको निलंबित कर दिया था, वो सरकार की तरफ संसदीय कार्य मंत्री का प्रस्ताव आया, ध्वनमत से पारित हुआ प्रस्ताव, हुआ हमारा आदेश भी नहीं था, वो तो ध्वनमत से पारित हुआ। पर यदि मैं जो कह रहा हूँ, यदि ऐसा इतना अच्छा होता उनका एक्टिविटी होती, इतना अच्छा काम हुआ होता, तो पूरी कांग्रेस पार्टी को उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ता। और एक दिन भी उसके निलंबन के बाद से सत्र की समाप्ति भर किसी दिन किसी कांग्रेस के विधायक ने एक भी प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया कि साहब उनका निलंबन वापस किया, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। अब अंदाजा लगा लीजिए अध्यक्ष जी, पूरा सदन साक्षी होगा इसका कि उस दिन नरोत्तम मिश्रा ने भी संविधान की कॉपी जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता की तरफ फेंकी थी, तो क्या वो उसको आप संविधान के विपरीत नहीं मानते? तो संविधान नहीं, संविधान के विपरीत क्या है, वो तो नियम प्रक्रिया के विपरीत है। इसलिए जो उनकी तरफ से आरोप आया और वो जो उनने फाड़ा, सज्जन सिंह ने फाड़ा, दोनों का हमने विशेष अधिकार समिति को भेज दिया है, प्रकरण विचार समिति बनी, समिति विचार करेगी उसको। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी विधानसभा लोकसभा कोई भी जो आप देख रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर उसको हम कोई शांति का टापू नहीं कर सकते, कोई शांति का टापू ऐसा नहीं कर सकते, और उसे हम बाजार भी नहीं बनने देना चाहते कि कोई बाजार हो जाए कि केवल हल्ला गुल्ला हो। अगली बात कहे विधायक की जनता की अपेक्षाओं के लिए उनकी बात रखने के लिए विधानसभा में जाता है, इसलिए मैं हमेशा इस बात का प्रयास करता हूँ उनको पूरा अवसर मिले। और इसी बात में जो सत्र मैंने चलाया अभी 12-11 दिन का, इस बजट सत्र के भीतर भी करीब 80-85% विधायकों ने अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त किया और सबने अपनी बात रखी अभी इसी सत्र में। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि उनकी बात कहने से उन्हें रोका जा रहा है, जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया गया। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं उसे शांति का टापू भी नहीं बन जाए कि कुछ नहीं बोलना किसी को, और उसका कतई अर्थ ये नहीं कि बाजार भी नहीं बनने देना, जिसकी जो तबीयत आप है वो बोलता रहे कि विधानसभा की, विधानसभा मतलब क्या है? फिर बाहर की आम सभाओं के मंच के भीतर और विधानसभा के भीतर, क्योंकि विधानसभा से नियम प्रक्रिया चलती है, हमारी परंपराओं से चलती है, हमारी पुरानी परंपराएं क्या उसको देख करके हम चलाते हैं, नियम प्रक्रिया परंपराएं हैं। तो ऐसा करके किसी को छूट नहीं दी जा सकती है, वो उसको जो तबीयत आ रहा है वो बोलेगा।